मैं मिसेस अपर्णा चौधरी, मेरा हस्बैंड डॉक्टर शांतनु चौधरी एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एमसीए डिपार्टमेंट में लेक्चररशिप करती थी। सो एक्टिंग इज़ माय पैशन, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आई यूज टू वर्क विद कैलकटा दूरदर्शन ऑल्सो, दैट इज दूरदर्शन कोलकाता, एंड आई वर्क आई एम राइट नाउ एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया रेडियो, did my certain programs there. And मेरा एक बेटा है 14 साल उम्र, अभी 15 साल है। मेरा एक साल पहले मेरा कैंसर डिटेक्शन हुआ था, तो अभी मेरा कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, तो आई एम फाइन। अभी मेरा स्टोरी आपको बता रही हूँ। आप मुझे जो पर्सनली लगा कि अचानक डिटेक्ट हुआ, बहुत डिफिकल्टी था, लेकिन अगर पॉजिटिव सपोर्ट रहे, डॉक्टर्स, फैमिली, खुद में थोड़ा सा भरोसा रहे, खुद के ऊपर अगर खुद भरोसा रहे तो आसान हो जाता है ये डिज़ीज़ को फाइट करना। अचानक ही पता चला कि मुझे कैंसर है। हुआ ये था कि मुझे थोड़ा सफोकेशन जैसे लग रहा था, जैसे गैस होता है, तो हमने एंटासिड वगैरह ले लिया। देन हमारे एक करीबी फ्रेंड थी, वो न्यूट्रिशनिस्ट, उसने बोला तुझे शायद ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले और एक हमारे परिचित थे, उनको पूछा, तो उन्होंने बोला एक बार सोनोग्राफी करवा के ही जा, पेट का प्रॉब्लम है तो सोनोग्राफी करने के लिए बोलेंगे। तो आई वेंट टू द सोनोलॉजिस्ट, सोनोग्राफी से पता चला, तभी तुरंत पता चला। तो मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैं खुद गई खुद को टेस्ट कराने के लिए। तो मैंने पूछा कि क्या है मुझे, तो वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा दिया डॉक्टर साहब को कि अपर्णा को ऐसे सोनोग्राफी में दिख रहा है कि देयर इज़ अ बिग ह्यूज टू ह्यूज ट्यूमर्स। तो मैंने बोला मुझे तो आप बताइए क्या हुआ, आप सिर्फ घर जाके सो जाओ। मैंने बोला देखिए मैं अगर आ सकती हूँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, आई हैव द स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेल मी। आई स्टे अलोन, आई स्टे विद माई चाइल्ड, माई सन इज़ यंग, उसको समझ में नहीं आता, आप अगर मुझे ग्रेविटी नहीं बताएंगे तो मैं कैसे सावधान रहूँगी, आप सिर्फ घर जाके सो जाओ। हमने डॉक्टर साहब से बात कर ली, विद इन 15 मिनट्स डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, मैं आज आ रहा हूँ, आज शाम को आ रहा हूँ, तुम तैयार हो लेना, तुम घर बंद करके तुम मेरे पास आके रहोगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो उनके साथ मुझे शिफ्ट होना था उनके पास, क्योंकि हम दोनों अलग रहते थे। मेरे बेटे का पढ़ाई के कारण मैं नागपुर में रहती थी और वो अपने नौकरी के कारण मथुरा में रहते थे, तो मैं मथुरा शिफ्ट होने वाली थी उनके साथ। तो रात को जब सोई तब मुझे सडनली लगा कि बहुत सारे काम बाकी है, पता नहीं मैं खत्म कर पाऊंगी भी नहीं। एनीवे, सडन रियलाइजेशन कि शायद मुझे मेरे पास उतना समय ना हो, फिर भी मुझे लगा कि मुझे स्ट्रांग रहना है, क्योंकि फैमिली में हम तीनों ही हैं, माय हस्बैंड, उनके माता पिता गुजर चुके हैं, तो उनके लिए फैमिली हम दोनों ही हैं, मैं और मेरा बेटा। इसके बाद हम आ गए इधर, आके पता चला कि सही में जो उन्होंने उनको लगा कि है, सही में कैंसर है, एवं और सिर्फ है नहीं, थर्ड स्टेज में है। तो नेचुरली थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे डॉक्टर से मिले, उन लोगों से बात की, तो उन लोगों ने बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्स लगा कि चलो कोई बात नहीं है, फाइन, लेकिन हम तो है हमारे आपके साथ लड़ने के लिए, ऐसे एक फीलिंग उन्होंने दिया। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, अभी तो बहुत कैजुअल हो गया है, तो तब मुझे थोड़ा ठीक लगा। लेकिन फिर भी
उसके बाद जो मेन टाइम आता है कि मुझे केमोथेरेपी को फेस करना था, मेरे बाल बहुत अच्छे थे. नेचुरली कोई भी लेडी के लिए बाल बहुत प्यारे होते हैं. डॉक्टर अमित भार्गव जो मेरा केमोथेरेपिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे बोले थे एक काम करो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन केमोथेरेपी में आपको तो मालूम है बाल चले जाएंगे, आप बाल को छोटे कर लो. द फर्स्ट टाइम माय हस्बैंड टोल्ड मी एक काम कर, तू भी शेव कर ले, मैं भी शेव कर लेता, बाल दोनों मिलके बाल निकाल देते. मैंने बोला ठीक है, लेकिन गंजे आप अच्छे नहीं दिखोगे. आई थिंक एक ही जन बाल काटते हैं. लेकिन बाल तब हमने काटा नहीं, उसके बाद वो बाल झड़ना चालू हुआ. तो जैसे मेरा बाल कम होने लगा तो बेचारा थोड़ा सा दुखी हो जाता था, माँ ऐसे क्यों दिख रही है. तो बोलता कभी भी कुछ नहीं था. तो एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए, तो डॉक्टर साहब मेरे बाल शेव करके निकाल रहे थे उनके इलेक्ट्रिक शेवर से, क्योंकि इतने बाल झड़ रहे थे कि पूरा घर भर जाता था बाल से. तो आया, देखा कि मेरा बाल पूरा शेव करके निकाल रहे हैं. उन्हें कैसे तो भी चुप हो गया, मुझे देखा और फिर भाग के अपने रूम में जाके दरवाज़ा पटक दिया, एकदम बंद कर दिया. फिर एक घंटा निकला ही नहीं, शायद रो रहा था अंदर, पता नहीं. उसके बाद जो हुआ, ही सडनली मेरे सन में एक चेंज आया कि बहुत मैच्योर हो गया बच्चा. पहले जो जिद करता था, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, ये होना ही है, ऐसे क्यों नहीं बनाया, सडनली इट वॉज जस्ट ऑपोजिट. तुमको क्या चाहिए, आप क्या खाओगे, क्या पसंद है, आप इसे बैठ नहीं पा रहे हो, चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. ये जो चेंज है जो एक मैच्योर बच्चे में होता है वो आ गया. तो वो जो सपोर्ट उसने दिया मेरे पास कंटिन्यूसली, तो ये सपोर्ट मुझे फैमिली से बहुत हर वक्त मिलता रहा. हस्बैंड से भी मिला, मेरे बेटे से भी मिला, मेरे बहन से भी मिला. हमारा बहुत छोटा फैमिली है, वी डोंट हैव बट लॉट ऑफ पीपल अराउंड. मेरा एक ही बहन है और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं. तो अकेलापन बहुत मुश्किल होता है इस बीमारी में. और एक चीज़ होता है जो काम, मतलब टाइम कैसे बिताएं, क्योंकि इफ़ यू आर सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग, आपके दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आते हैं, क्या होगा अगर मेरा कुछ हो गया तो, फैमिली का क्या होगा अगर मुझे कुछ से नेगेटिव कुछ हुआ हो गया तो. तो ये जो टाइम है ये आपको सिर्फ आप टीवी देख रहे हो या ये भी आप ज़्यादातर नहीं कर सकते हो. तो दैट टाइम एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया जो है, मैं अपना जो जो इच्छा होता था मैं लिखती थी. आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज़, मतलब बहुत अच्छा लिखती थी ऐसी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस था, जो मज़ेदार एक्सपीरियंस था वो मैं लिखना चालू किया. तो एक्चुअली जब आप लिखते हो तो यू एक्चुअली रिलीव दोस नाइस एंड फनी मोमेंट्स, तो वो बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्प किया मुझे ये सब करने के लिए. दूसरी बात ये जो है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बहुत पॉजिटिव होता है, हॉस्पिटल का माहौल, सिस्टर्स, नर्सेज, जो पॉजिटिव होता है ना, आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है. तो एवरीबॉडी स्माइलिंग अराउंड यू, हंस के बात कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देर लाइक योर फ्रेंड, पर्सनली पूछ रहे हैं कैसे हो, बीमारी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि आपने नेल पॉलिश क्यों नहीं लगाया. इट्स वेरी सिंपल थिंग. आप बोल सकते हो कि ये नर्स के साथ नर्सिंग का क्या संबंध है, बट दैट एक्चुअली गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ होम. ये जो सिंपल चीज़ें हैं, आप उस दिन आपने जो कान में पहने थे ना वो बहुत प्यारा था, आज क्यों नहीं पहने वो, तो यू फील कि अरे उसने नोटिस किया कि मैंने कान का जो पहना था वो बदला है, या आज का जो ड्रेस है उसने नोटिस किया कि ये ड्रेस मैं उस दिन भी पहनी थी. तो ये जो फीलिंग है, ये जो चीज़ हमें, मुझे बहुत अच्छा लगा. और एक चीज़ जो होती है फेसिंग द सोसाइटी, रिश्तेदारों को कैसे बताना, रिश्तेदारों को कैसे बताना, स्पेशली मम्मी पापा को जो एजेड पेरेंट्स हैं. मेरे पेरेंट्स भी आए थे मुझे मिलने के लिए, उन लोगों को एक्चुअली बताया नहीं गया था कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है. तो वो लोग जब आए थे तो मैं ऐसे विग विग पहन के बैठी, तो मुझे बोले तेरे बाल को क्या हुआ. तो मैंने बोला ऐसे मैंने बाल नया स्टाइल बनाया. देन माय हस्बैंड केम, तो उन्होंने उनको समझाया कि ऐसे हुआ है. बट मुझे देखने के बाद वो लोग उतने डरे नहीं. हम लोगों को लगा था कि बहुत डर जाएंगे, क्योंकि नाम, बीमारी का नाम सुन के लोग डर जाते हैं. बट दे ऑल्सो टुक इट वेरी यू नो ब्रेवली, कि ठीक है हम भी हैं तेरे साथ,
तो चिंता मत कर, सब भगवान ने दिया है तो हम झेल लेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो बस एक विश्वास जो है ना, सभी लोग कोई ना कोई भगवान तो मानते ही हैं। ये जो समय है जहाँ पर आप लोग को मालूम नहीं है कि हमें क्या होगा, आगे क्या होगा, तब आपका विश्वास आपको खींच के ले जाता है कि चलो मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी उतना बुरा कुछ तो होगा नहीं, ये परीक्षा की घड़ी है, ये भी बीत जाएगी। एक बात मैं बोलूँ कि जब आप बहुत बीमार हो तो आप अगर एक बहुत क्लीन, हैप्पी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ ना, तो आपको खुद को ना उतना बीमार नहीं लगता। जो मुझे अच्छा लगा था ये हॉस्पिटल के बारे में कि जब भी मैं किसी को बताया कि मैं मथुरा जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, मथुरा जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए फ्रॉम व्हाई नॉट दिल्ली, व्हाई नॉट बॉम्बे, व्हाई नॉट टाटा, सब लोगों को लगता है व्हाई नॉट वेलोर, सब लोगों के स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स के बारे में मालूम होता है तो सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई तो फर्स्ट जब मैं अंदर गई तो इतना खुला मैनिक्योर गार्डन, सामने मंदिर, इतना सुंदर लगा वो। तो वो इटसेल्फ ना आपको एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है कि हॉस्पिटल में आ रही हूँ ऐसे फीलिंग नहीं देता। हॉस्पिटल में मतलब वो एक अजीब सा खुशबू है और लोग सब एकदम ग्रिम फेस से घूम रहा है, सबका लगता है सबको बहुत दुखी है सब लोग, ऐसे नहीं था। और दूसरी बात ये कि जब मैं कोई भी रूम में गई, एडमिट थी, पेशेंट सिस्टर्स जो नर्सेज आते थे मिलते थे, डॉक्टर्स जब भी मिलते थे, सो अप्रोच वॉज वेरी पॉजिटिव कि कोई कभी ये बताया नहीं कि अरे बाप रे ये हो गया आपका, फिर तो आपको बहुत परेशानी होने वाला है, ऐसे अप्रोच ही नहीं था। अप्रोच वॉज डिफरेंट, अरे वाह अभी आप आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हो गई। जो मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला था तो मैं आई, मैं हॉस्पिटल में जा रही थी तो एक डॉक्टर ने मुझे पूछा, क्या मैडम फिर से वापस क्यों आए, मैंने बहुत सारे खून अपने निकाल लिया ना, वापस लेने आई हूँ सारे खून। तो दे ऑल्सो लाफ्ड, सो इट वॉज वेरी पॉजिटिव। लाइक लगता नहीं था कि मैं इतना बड़ा बीमारी को लेके इतना सीरियस एक ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। बट वेन दे यूज टू डू द वर्क, जब ट्रीटमेंट देते थे दे वर वेरी प्रोफेशनल, कोई भी मतलब कभी भी मुझे लगा नहीं कि एक सुई दुबार लगाना पड़ा। तो वेन एवर सर्चिंग फॉर द वेन और कोई भी ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ें हुआ जो तकलीफ देते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल जो दर्द है वो मिला मुझे। और एवरीबॉडी इज सो प्रोफेशनल और सो एक्सपर्ट, तो इतना बढ़िया उन्होंने किया और इतना पर्सनल अप्रोच था कि कभी भी मुझे लगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। कोई ऐसे ही आके पूछ के गए, आपके लिए एक लस्सी मंगवा दूँ क्या, बहुत देर से लेटे हो, आई एम टेकिंग केमोथेरेपी, बहुत देर से लेटे हो, एक लस्सी मंगवा दूँ क्या। सो ये जो छोटी छोटी बातें जो है ना, इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी बातें। बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े काम तो हो ही जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स आते हैं आपको ट्रीटमेंट देते हैं, इन सब लोग अगर बहुत सीरियस होके आते हैं ना, जैसे डॉक्टर अग्रवाल मेरे सर्जन जो थे, तो वो आए और मुझे बोले एज ए पेशेंट यू हैव पास्ड इन फर्स्ट डिविजन। तो मुझे इतना मजा आया, वेरी गुड, आई नो आई एम अ गुड गुड पेशेंट, आई एम अ गुड वाइफ एंड गुड मदर, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड डॉक्टर एंड वेरी गुड सन। सो ये जो अप्रोच है, ये जो चीज़ें हैं, जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो तकलीफ मुझे याद नहीं आता, बट दिस स्मॉल इंसिडेंट्स विच एक्चुअली मेड मी फील हैप्पी और बहुत पॉजिटिव मेमोरीज जो है वो है मेरा। So that's why I'm very happy in that way.